हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बतानी है। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट्स एंड इट अकर्स एट द टिप्स ऑफ द फिंगर्स। बिल्कुल सही बात है कि हर एक सिंगल इंडिविजुअल को एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है और वो उनकी फिंगर की टिप पे होता है। मतलब कोई भी दो, इवन आपके अगर दो ट्विंस भी होंगे तो उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे। ठीक है, बी में लिखा हुआ है अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज ऑल्सो इक्वल इज ऑल्सो यूनिक फॉर अ पर्सन एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड फिंगरप्रिंटिंग। बिल्कुल सही बात है। डीएनए के अंदर, डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, चार टाइप के बेसिस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस चार टाइप के होते हैं, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन एंड टी फॉर थायामिन। ठीक है, तो ये जो यूनिक बेसिस होते हैं, इन बेसिस का एक सर्टेन सीक्वेंस होता है हर एक इंसान के लिए। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस के अंदर ही जो इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की, वो होती है, उसी को हम फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। या सी में लिखा फिंगरप्रिंट्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय सर्जरी। यस, बिल्कुल सही बात है, फिंगरप्रिंट्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं थ्रू सर्जरीज। बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।